आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर उन लोगों का पड़ता है जो आपके सबसे ज्यादा करीब होते हैं। यदि आप अच्छी संगत में रहेंगे तो आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा। यदि आप बुरी संगत में रहेंगे तो आपका स्वभाव भी बुरा हो जाएगा। जिसकी भी संगत करें, सोच समझ के करें, क्योंकि वही आप बनने वाले हैं। क्योंकि जो हमको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं वो हमको प्रभावित भी करते हैं, हम उनकी तरह बनने लग जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कैसे धीरे धीरे हमें बुरे इंसान के साथ रहते रहते बुरी आदतें लग जाती हैं, और कई बार अच्छे लोगों के संग रहते हमारी बुरी आदतें छूट जाती है, हम बेहतर इंसान बन जाते हैं। एक पेड़ पर दो तोते रहते थे, एक का नाम था सुपंकी और दूसरे का नाम था सुकंठी। दोनों ही एक ही माँ की कोख से पैदा हुए थे। दोनों के रूप रंग, बोली और व्यवहार सब कुछ एक समान था। दोनों साथ साथ सोते, जागते, खाते, पीते, हर काम साथ साथ करते थे। बड़े सुख से दोनों का जीवन गुजर रहा था। एक दिन अचानक से बिजली कड़कने लगी और बहुत तेज आंधी आई। ऐसे में सुपंकी हवा के झोंके से मार्ग भटकता चोरों की बस्ती में आ गिरा, और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर घायल होकर ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। सुपंकी चोरों की बस्ती में पलता रहा और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में पलता रहा। एक दिन एक राजा वहां से शिकार करने के लिए गुजरा तो बीच में वो चोरों की बस्ती आई। राजा को देखते ही सुपंकी अपनी कर्कश वाणी में बोलने लगा कि मारो मारो, लूट लो, जाने ना पाए, इसकी हत्या कर दो। राजा तोते की उस भयानक वाणी को सुन के बहुत डर गया और उसने अपने वजीर से पूछा कि ये तोता ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। तो वजीर ने कहा, कोई चोरों की कोई लुटेरों की बस्ती है और ये तोता इन्हीं के संग में रहता है, चलो महाराज यहाँ से कहीं और भाग चले। वो राजा और वजीर वहां से आगे निकल गए और चलते चलते वो उसी पर्वत पर पहुंच गए जहां वो सुकंठी रहता था। वहां राजा को आया देखकर सुकंठी ने राजा से कहा, राजा आपका स्वागत है, आश्रम के ऋषि नदी किनारे स्नान करने गए हैं, जब तक ऋषि आते हैं तब तक आप यहां कुटिया में बैठकर विश्राम कीजिए, और घड़े में ठंडा जल रखा है, आप जल पीजिए। पक्षी होने के कारण मैं आपकी इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता, आप कृपया करके ऋषियों के आने तक प्रतीक्षा कीजिए, आपका यहाँ बहुत स्वागत है। राजा सुकंठी की वाणी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। जैसे ही वहां ऋषि वापस लौट कर आए तो राजा ने उनसे प्रश्न किया कि ये कैसा चमत्कार है, एक तोता इतनी मीठी वाणी बोलता है और दूसरा इतनी भयानक वाणी बोलता है, ऐसा क्यों? तो ऋषियों ने बताया, वास्तविकता में ये दोनों तोते भाई हैं, इन्होंने जिंदगी का काफी समय साथ में गुजारा है, पर एक दिन ऐसी आंधी चली, एक तोता हमारे पास यहाँ पर्वतों पे आ गिरा और दूसरा तोता चोरों और लुटेरों की बस्ती में जा गिरा। उन चोरों के संग में वो तोता वैसा ही हो गया, उनकी वाणी वैसी ही हो गई, और हमारे साथ रहते रहते इस तोते की वाणी भी मधुर हो गई है। तो याद रखना, आप जिंदगी में आप जिनका संग करते हैं एक दिन आप वही बन जाएंगे। तो जो आप बनना चाहते हैं आप उनका संग कीजिए। जैसे पानी में अगर नमक डाल दें तो वो नमकीन हो जाता है, उसमें चीनी डाल दें तो वो मीठा हो जाता है, उसमें अगर मिर्ची डाल दें तो वो तीखा और कड़वा हो जाता है। वैसे ही आपका हृदय है, जैसे जैसे संस्कार आपके हृदय में जाएंगे आप वैसे ही बनते जाते हैं। तो इसलिए याद रखें, एज द कंपनी सो द कलर, जैसी आप संगति करने वाले हैं वैसे ही आप बनने वाले हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में आप अच्छे लोगों का संग करिए।